साथ हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CBSE के बच्चों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं फ्रेंड। कि हाल ही में आप CBSE के बोर्ड सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि CBSE क्लास 10 तथा 12 का रिजल्ट मई के तीसरे हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने लाइव हिंदुस्तान का वेबसाइट खोल रखा है और यहाँ पर भी यही दिख रहा है कि CBSE परीक्षा परिणाम मई के तीसरे हफ्ते में। तो चलिए पढ़ते हैं कि इसमें क्या न्यूज आ रहा है फ्रेंड। तो नीचे देखते हैं, आप लोग भी पढ़िएगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दे रहा है CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम मई के तीसरे सप्ताह तक घोषित कर दिए जाएंगे। उक्त जानकारी गुरुवार को CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने एक प्रेस वार्ता में दी। और हमने भी अभी यही कहा फ्रेंड कि CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता में यह बात कही है। उन्होंने कहा, कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर शिक्षक लगातार काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक समाप्त हो जाएगी। और वो कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक आप सभी का मूल्यांकन समाप्त हो जाएगी फ्रेंड। और CBSE इस वर्ष 1,70,00,000 कॉपियों का मूल्यांकन देश में 3,000 मूल्यांकन केंद्रों पर कर रही है। एक शिक्षक प्रतिदिन 8 घंटे में 25,000 मूल्यांकन करता है और एक दिन में एक शिक्षक 8 घंटे में 25 कॉपियों का मूल्यांकन कर रहा है फ्रेंड। तो उम्मीद है कि आप सभी का रिजल्ट अच्छा आएगा और तुरंत ही आएगा फ्रेंड। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। अगर आपका रिजल्ट आता है तो सबसे पहले हम ही इसका न्यूज़ देंगे फ्रेंड। तो हमारे चैनल को हमेशा विजिट करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।